कोविड-19 के चलते बंद पड़े प्रदेश के बॉर्डर खुलने के बाद जहां जिला में पर्यटकों की आमद में इजाफा हुआ है, वहीं हवाई जहाज में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भी कांगड़ा एयरपोर्ट पर एक और अतिरिक्त फ्लाइट की सेवा उपलब्ध होगी। स्पाइस जेट की ओर से 12 अक्टूबर से दिल्ली से कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए नई फ्लाइट शुरू की जा रही है। इस नई फ्लाइट के शुरू होने से कांगड़ा एयरपोर्ट पर्यटन कारोबारियों सहित टैक्सी ऑपरेटर्स को लाभ मिलेगा। बॉर्डर खुलने के बाद पर्यटन गतिविधियां जिला में बढ़ी हैं। अब कांगड़ा एयरपोर्ट पर 4 फ्लाइट्स की सुविधा से बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों के लिए हवाई सेवा में भी इजाफा होने जा रहा है। गौरतलब है कि कांगड़ा एयरपोर्ट पर वर्तमान में एयर इंडिया की 2 और स्पाइस जेट की 1 फ्लाइट संचालित की जा रही है, जबकि 12 से स्पाइस जेट की फ्लाइट शुरू होने से कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए 4 विमान सेवाओं की सुविधा उपलब्ध होगी। टैक्सी ड्राइवर नरेश कुमार का कहना है कि कोरोना के चलते कामकाज ठप था, सरकार द्वारा बॉर्डर खोलने के बाद टैक्सी कारोबार पटरी पर आने लगा है। कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए शुरू हुई नई फ्लाइट जेट से पर्यटन विकास के साथ साथ टैक्सी ऑपरेटर्स को भी काम में इजाफा होने की उम्मीद है। कोरोना महामारी के कारण हमारा काम बिल्कुल ठप था, अब प्रदेश सरकार ने बॉर्डर खोल दिए हैं, जिस कारण काम थोड़ा धीरे धीरे पटरी पर चला है। और गगल में जो एक फ्लाइट नहीं लगी है, उसके कारण हमारा काम थोड़ा और चलेगा। वहीं टैक्सी ड्राइवर गुरवचन सिंह भुल्लर का कहना है कि कोरोना में टैक्सी का कारोबार ठप पड़ गया था। कोरोना एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट्स बढ़ने से टैक्सी ऑपरेटर्स को भी काम बढ़ने की उम्मीद है। कोरोना के चलते किस्तों व टैक्स भरने में दिक्कतें आ रही थी। यहाँ काफी पर्यटक स्थल हैं, फ्लाइट बढ़ने से पर्यटकों की भी आमद बढ़ेगी। लॉकडाउन की वजह से हमारा सारा काम खत्म हो चुका है और अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे गगल एयरपोर्ट में जो फ्लाइटें बढ़ रही हैं, उससे थोड़ा हमारा काम चल पड़ेगा और थोड़ा टैक्सी वालों का हमारा तो क्या सबका थोड़ा थोड़ा धीरे काम बढ़ेगा। और लॉकडाउन की वजह से हमारे टैक्सी वाले ना किस्तें भर रही जा रहे हैं ना टैक्स भरे जा रहे हैं, और थोड़ा बाहर जो टूरिस्ट आता है यहाँ घूमने के लिए, अच्छे पर्यटन स्थल हैं, उनके लिए भी फायदा होगा। वहीं कांगड़ा एयरपोर्ट के निदेशक किशोर शर्मा ने कहा कि 12 अक्टूबर से दिल्ली धर्मशाला स्पाइस जेट की नई विमान सेवा शुरू हो रही है। नई फ्लाइट सुबह 9 बजे कांगड़ा एयरपोर्ट पर पहुंचेगी और 9:20 पर वापस दिल्ली लौटेगी। नई फ्लाइट के बाद कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए एयर इंडिया और स्पाइस जेट की 2-2 हवाई सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसके अतिरिक्त पवन हंस हेलीकॉप्टर की सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। नई फ्लाइट एक यहाँ से चलने जा रही है 12 तारीख को धर्मशाला से दिल्ली से धर्मशाला आएगी, धर्मशाला से दिल्ली जाएगी। सुबह 9 बजे का आने का रहेगा, 9:20 पे जाने का रहेगा। अभी फिलहाल हमारे पास एक स्पाइस जेट, 2 एयर इंडिया और एक पवन हंस का हेलीकॉप्टर चल रहा है। नई फ्लाइट को इंक्लूड करने के बाद 2 स्पाइस जेट और 2 एयर इंडिया और एक हेलीकॉप्टर, 5 फ्लाइट हो जाएंगे जरूर।